फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और अभी शाम के बज रहे हैं 6:30 और अभी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि दिन में ना मैं कुछ काम से बाहर गई थी अपने भाई के साथ, तो इसलिए दिन में कोई ब्लॉग नहीं बना पाई। और आप लोग वीडियो में बने रहिए, देखते हैं कि आगे क्या करते हैं, क्योंकि शाम तो हो गया और शाम का खाना भी बनाना है। और लेकिन मैं सोच रही हूँ कि उससे पहले मैं गाजर का हलवा बना लूँ, क्योंकि गाजर का जो रेड वाले गाजर आते हैं ना, उसका अब टाइम थोड़ा जाने वाला है। तो वो ऑरेंज वाले होते हैं, वो तो हमेशा ही रहता है ना 12 महीने, लेकिन ये रेड वाले इसी सीजन में होते हैं, तो लास्ट है। तो इसलिए अभी सोच रही हूँ कि मैं गाजर का हलवा बनाऊँ। और गाजर का हलवा तो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, बस उसे बनाऊंगी और उसके बाद खाना बनाएंगे। तो बनी रहिए फ्रेंड आप लोग मेरे वीडियो में, और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए काम करते हैं। तो अभी मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी। तो ये ना गाजर को मैं धो के रखी हूँ, तो बस इसे अभी मैं जल्दी से किस लूँगी, मतलब कद्दूकस कर लूँगी, और फिर उसके बाद हलवा बना लेंगे। और यहाँ पर ना मैं कद्दूकस कर रही हूँ ना गाजर को, तो राहुल भी है और वो भी कुछ तो कर रहे हैं यहाँ पर किचन में आके। तो वो जब खाली रहते हैं तो आ जाते हैं वैसे किचन में मेरी हेल्प करने के लिए, लेकिन शायद चाय या कुछ तो बना रहे हैं वो। तो चलिए कद्दूकस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हो चुका है हमारा गाजर का हलवा। हमारा जो गाजर का हलवा है वो बन रहा है और खाना बन चुका है अभी मेरा, और अभी रात के 8 भी बज चुके हैं। तो इतना टाइम लग गया और इतने देर बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। तो चलिए हलवा बनता है और फिर उसके बाद हम खाना खा लेंगे। तो चलिए दिखाती हूँ मैं। तो आज जो मैं हलवा ये बना रही हूँ ना, तो ये मैं कुकर में उबाल नहीं लगाई हूँ, मैं डायरेक्ट इसमें ना घी डालने के बाद डायरेक्ट इसमें मैं बना रही हूँ, तो उबाली नहीं हूँ पहले। तो ऐसे मैं ना पहले ऐसे बनाया करती थी, डायरेक्ट इसमें डाल के उबालती नहीं थी पहले, तो वैसे ही बना रही हूँ। और ये भी ना बहुत ही अच्छा मतलब लगता है इस तरह से भी बनाने से। तो चलिए बनाते हैं फिर। और यहाँ पर अंडे की सब्जी बनके तैयार है, तो ग्रेवी वाली बनाई हूँ सब्जी, तो इसी तरह से, और देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, और इससे पता चल खुशबू ना बहुत अच्छी आ रही है इसकी। तो और फ्रेंड, आज एक बहुत ही ज़रूरी और ख़ास चीज़ मंगवाई हूँ, तो अभी खाना खाते हैं, उसके बाद उसे मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। और अभी मैं गाजर में जो हलवा बना रही हूँ उसमें दूध डाल चुकी हूँ, और मेरे पास खोवा नहीं है तो दूध से ही बनाऊंगी। और यकीन मानिए इतना टेस्टी ऐसा वाला गाजर का हलवा लगता है, और इस बार का तो बहुत ही अच्छा लगा था। और ये काजू थोड़ा सा मैं रोस्ट कर लेती हूँ, तो मैं काजू ही डालूँगी इस बार, और कुछ भी इसमें नहीं और डालूँगी, जैसे बादाम डालते हैं वैसा नहीं, तो सिर्फ काजू डालूँगी। अब देखिए ये हलवा बन के तैयार है, और थोड़ा थोड़ा हम अभी ले लिए हैं खाना खाने के बाद, और बहुत ही टेस्टी बना था। मुझे लगता है जितने बार भी मैं बनाई हूँ ना, उसमें ये सबसे ज़्यादा अच्छा बना था। और ये है, आप देख रहे हैं, दिसु लेकर आई है, ये है कपड़े की अलमारी, जैसे कि अभी मैं बता रही थी कि क्या है मैं बताऊँगी, तो यही चीज़ है जो हम अभी मीशो से मंगवाए हैं इसे। तो ये इस तरह से आया है, और इसे अभी सबको मतलब जोड़ जोड़ के बनाना है। तो अभी दिक्कत तो है इसमें, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इस तरह से है, तो थोड़ा सा समझ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि छोटे छोटे ये है ना उसमें ज्वाइन करने वाले, तो इसलिए। तो देखते हैं कैसे होता है। तो चलिए सब लोग अभी कर रहे हैं बारी बारी से। और मुझे ना यहाँ पर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, तबीयत सही नहीं लग रही थी, तो बस मैं चुपचाप बैठी हूँ, और इन लोग जो बना रहे हैं तीनों मिले हुए हैं, भिड़ के बना रहे हैं मिलके, तो इसे मैं सूट कर ली हूँ थोड़ा सा। तो देखिए इस तरह से तैयार हो रहा है, बहुत अपना अपना दिमाग लगा रही हैं, क्योंकि वो जो ज्वाइन करने का है ना, वो अलग अलग प्रकार के 3 या 4 प्रकार के हैं, तो वो सब ना करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है सोचने में। कितना भी आपको मिला हुआ होता है उसका प्रोसेसर ना, उसके बावजूद भी थोड़ा टाइम लग ही जाता है। तो बस वैसे ही, लेकिन हो ही रहा है, बन चुका है इसका स्ट्रक्चर। तो देखिए इस तरह से है ये। अब ऊपर से इसका जो कवर है ना वो लगाना है। तो ये क्या, दिसु और जतिन ना एक ही अलमारी में कपड़े रखते थे, तो बहुत ज़्यादा जैसे ही अलमारी खोलो ना मुंह पे कपड़े गिरते थे, तो इसलिए बहुत ज़रूरी था। और लोहे वाली तो अभी लेंगे नहीं, तो इसलिए अभी ये कपड़े की अलमारी। तो देखिए इस तरह से ये हो गया है, और ये बहुत अच्छा रहता है काम चलाने के लिए, तो अच्छा ही है, तो 1-2 साल तो चल ही जाएगा मुझे ऐसा लगता है, और ठीक है बहुत सारे कपड़े इसमें आ जाएंगे दिसु के, तो मुझे तो अच्छा लगा। तो बस यही दिखाना चाहती थी आप लोगों को। हेलो फ्रेंड, बहुत दिनों बाद आज आप लोगों से मिल रही हूँ, तो हो सकता है 15 या 20 दिन हो गए हैं, क्योंकि आपने इससे पहले जो वीडियो देखा ना वो 15-20 दिन पहले का है। उसके बाद ना मेरी ज़बरदस्त तरीके से तबीयत ख़राब हो गई थी, तो अभी मिल रही हूँ, और आज है संडे, तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ नहा के, और
अभी 1:30 भी बज रहे हैं और अभी मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। कौन से फ्रेंड? मतलब जो हम ना 11th और 12th क्लास में साथ में पढ़ते थे, तो उनसे आज काफ़ी सालों बाद हम मिल रहे हैं। तो हो सकता है मैं उनको दिखाऊं, या ये भी हो सकता है कि वो लोग वीडियो में ना भी आएँ, लेकिन मैं एक फ़ोटो ज़रूर लगाऊंगी आखिरी में। तो बस उनसे मिलने जा रही हूँ और अभी तो मैं तैयार हो गई, बस कंघी और करना है, उसके बाद मैं निकल जाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड, आके मिलती हूँ आप लोगों से। तो अभी मैं घर आ चुकी हूँ फ्रेंड, और अभी मैं छत पर आई हूँ और सारे कपड़े अभी सूख रहे हैं। अभी जाने से पहले इसको मैं लेकर जाऊँगी। और ये जो सूट है ना, मेरा एक कुर्ता है, वो थोड़ा सा ढीला हो रहा था, लूज़ हो रहा था। तो फिर मैं सोची कि इसको और क्या मैं टेलर के पास दूँ सिलवाने के लिए, इससे अच्छा है कि मैं थोड़ा थोड़ा खुद ही सिलाई लगा लूँ। तो इसलिए यहाँ पर मैं बैठ के ना सिलाई लगा रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। ये वाला मौसम ना वो है कि ज़्यादा ठंडी भी नहीं है और गर्मी भी नहीं है, तो ये बीच वाला मौसम होता है ना, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। और शाम के टाइम तो बहुत अच्छा लगता है, तो अच्छा लग रहा था मुझे। और जैसे कि मैं बताई, तबीयत ख़राब थी ना मेरी काफ़ी दिनों से, तो मैं बाहर निकलती ही नहीं थी, घर में ही रहती थी। तो आज काफ़ी दिनों बाद मैं छत में आई हूँ, तो मुझे अच्छा ही लग रहा है। तो बस ये सूट मैं थोड़ा सा सिल लूँगी। तो अभी मैं आ गई हूँ फ्रेंड घर, और ज़्यादा देर नहीं हुआ है, बस आधा घंटा हुआ होगा। ये जो घर बन रहा है ना, जो टूटा था, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये वो घर है फ्रेंड जो पहले मैं वीडियो में दिखाई थी ना, पूरा टूट रहा था। और बहुत मतलब ना दिक्कत होती है जब आपके घर के साइड में ही कोई घर बन रहा होगा, तो धूल मिट्टी सीमेंट सब कुछ आता है। और हमारे आंगन में तो पूरा, और मेरे आंगन का फर्श पूरा ख़राब हो चुका है, लेकिन अभी जो बन गया है ना ये, तो अच्छा लग रहा है, वरना बहुत खुला खुला सा लगता था। तो देखिए अब ठीक लग रहा है। अभी शाम होने वाली है, सूर्य बस डूबने वाला है। जब सूर्य डूबने वाला होता है ना, तो उसकी जो रोशनी होती है ना, किरणें बहुत ही अच्छी लगती है ना, सुनहरी वाली। तो उसी तरह से ऐसे हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड, ये संडे है, तो जैसे कि तो बहुत सारे कपड़े धुले हैं, तो बस अभी सारे कपड़े निकाल के लेके जाना है मुझे। चलिए फ्रेंड, ये सारे कपड़े निकालती हूँ, अभी कुछ और रह गए हैं कपड़े निकालने के, वो सारे कपड़े मैं लेकर अभी नीचे जाऊँगी। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लेकिन हाँ, नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा।